माधव, तो आज तुमको यहाँ कैसा लगा? दो तीन दिन बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। हाँ, हेलो अनु। तो दोस्तों ये देखिए, ये बनाया है मैंने चिकन, और मैं खाती तो नहीं हूँ बट मैं बना लेती हूँ। तो ये मैंने बनाया है चिकन, आप देख ही पा रहे हो। अभी मुझे इसको बटर से फिर से मतलब इसको मैं छौंकूंगी। तो मैंने चिकन बनाया है, चाचा और केशव खाते हैं उनके लिए, और मैंने अपने और चाची के लिए बनाया है मटर पनीर। आप मटर पनीर देख सकती हो, मैंने अपने और चाची के लिए मटर पनीर बनाया है। और केशव और हनु खा चुके हैं, तो हम और चाची ही बचे हैं। तो मटर पनीर चाची के लिए, चिकन बनाया है चाचा और केशव के लिए, और ये भी खाते हैं इसलिए। और अभी मैंने धनिया वनिया नहीं डाली है इसमें, थोड़ी सी धनिया डाल देते हैं। चलो आपको दिखाते हुए डाल देते हैं थोड़ी सी धनिया, ठीक है। और बहुत सारा अभी सारा किचन फैला हुआ है, बर्तन पड़े हैं, रोटी सिक गई है, चावल भी बन गया है इसमें। तो अभी मैं इतनी ज़्यादा मतलब मैं पसीना पसीना हो रही हूँ कि मतलब मैं आपके सामने नहीं आ पा रही हूँ, बट मैं बहुत जल्दी का शाम को चाची को लेके कहीं जाऊँगी तो मैं डेफिनेटली आपसे मिलूँगी, ठीक है। तब तक आप मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा। फ्राई पैन में मतलब छौंकने वाले में डाला है बटर, काफ़ी सारा बटर डाला है, और अब मैं इसमें डालूँगी कसूरी मेथी और कश्मीरी मिर्च, बस दो चीज़ डालूंगी, और हल्का सा गरम मसाला डालेंगे और उसके बाद इसमें छौंक लगाएंगे। आप देख लीजिए डाल दिया है इसमें। अब इसके बाद मैं इसमें चिकन में लगाने जा रही हूँ बटर का छौंक। बहुत से लोग उससे डाल देते हैं, क्या बोलते हैं, देसी घी से, पर मैं इसमें बटर का छौंक लगा रही हूँ। बहुत ही अच्छी स्मेल आ रही है, बहुत ही अच्छा चिकन बना है। अगर आपको मेरी चिकन की रेसिपी जाननी हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं डेफिनेटली शेयर करूँगी। आप देख ही रहे हो कितना अच्छा कलर आया और कितना अच्छा चिकन बना हुआ है। होपफुली चाचा खाएं तो उनको अच्छा लगे, क्योंकि आज तक मैंने हमीरपुर में ही आके चिकन बनाना शुरू किया है, क्योंकि मेरे पति देव को चिकन विकन खाना बहुत पसंद है। मैं नहीं खाती, बिल्कुल भी नहीं खाती, बट मैंने उनके लिए बनाना शुरू किया था। तो आज चाचा पहली बार हमीरपुर आए, तो मैंने सोचा चलो फिर ट्राई करते हैं चाचा के ऊपर कि उनको खिलाते और पता पूछते हैं कैसा मैं अच्छा बना भी पाती हूँ कि नहीं। क्योंकि चिकन विकन मेरे चाचा भी मतलब घर में ऐसे कुछ होता था तो चाचा और भैया लोग मिलके बना लेते थे। तो आज चाचा को चिकन टेस्ट कराएंगे, उसके बाद उनसे जानेंगे कि मैंने कैसे बनाया है और कैसा बनाया है, ठीक है। हनुम नानी से क्या बात कर रहे हो? गोली बनती है तो ठार ठार करती है। अच्छा, हनुम नानी से क्या बात कर रहे हैं? कुछ तो बात कर रहे थे नानी से। नानी से क्या बात हो रही है हनु? इसके अंदर क्या है आपका? वो है पजल। हाँ पजल है। तो दोस्तों चाचा ने डायरेक्ट तो रिव्यू नहीं दिया, बट चाचा कह रहे थे कि चिकन बहुत ही अच्छा बना है। हेलो अनु। हेलो माधव। रोटी बना रही हो? हैं रोटी कम हो गई इसलिए, चाची मेरी रोटी बना रही हैं। हनु हनु हेलो, हाय करो। कहाँ आए हो? गंदा पानी देखने हैं। यमुना नदी को हनु गंदा पानी बोलते हैं। ये देखिए यमुना का पुल, पानी आपको नहीं दिखेगा क्योंकि अंधेरा बहुत है। ये यमुना नदी है, यमुना नदी का पुल है। जन्ना हम सब लोग ऐसे ही शाम को, शाम नहीं इस समय घड़ी में बज रहे हैं 8:30, रात है, तो हम लोग आ जाते हैं टहलने वहलने, थोड़ा सा भी मन वो होता है तो। हनु हेलो करो, देखें हनु हनु ऐसे भाग रहा है। हनु दिखाओ दिखाओ जी, इतनी जोर से भाग लेता है। पावर है आपके पास? कौन सी पावर है? कौन सी पावर है? सुपर हीरो की पावर। कौन सा सुपर हीरो आपको पसंद है? कौन सा वाला? स्पाइडरमैन। स्पाइडरमैन की पावर नहीं, आप कुछ खा नहीं रहे हो ना आजकल इसी वजह से। हाँ पापा के पास जाओ। ननू आओ, आइसक्रीम लिए? कौन सी आइसक्रीम ली आपने? चॉकलेट वाली। चलो खा लो चॉकलेट वाली, बताशे खाएंगे। पापा से खुला लूं? तो अभी नहीं, आज खाने चलेंगे। तो जैसा कि आपको आपने देखा कि चाचा लोग आए थे माधव को लेने,
और माधव को लेके वो लोग शाम तक चले गए थे 5:30 बजे, और 8 बज गए थे उन लोग को पहुँचते। तो फिर बहुत सारा काम समेटा, सब किया, और अभी मन अच्छा नहीं हो रहा। मैं चाचा लोग के जाने का वीडियो नहीं शूट कर पाई क्योंकि वो लोग जल्दी जल्दी में थे, इस वजह से जाने का कुछ भी शूट नहीं हो पाया। बहुत मतलब लेट हो रहा था उनको कि समय से, मैं बता रही थी फिर कि मन अच्छा नहीं हो रहा था। माधव चला गया, चाची चाचा आए थे, केशव आया था, चला गया, सब अच्छा ही नहीं लग रहा था मुझे बिल्कुल भी। तो मैंने इनसे कहा चलो फिर थोड़ा सा टहल के आते हैं, ज़्यादा कुछ तो घूमने के लिए है ही नहीं, मैं आपको बता ही चुकी हूँ, पर थोड़ा सा शांति रहती है तो मैं यहाँ पर ज़रूर आती हूँ। यहाँ पर बंधा है, बंधा बोलते हैं इसको, और सामने यमुना नदी है। ऐसे ये मतलब ऐसे पेड़ पौधे लगे हैं, आप आराम से टहल सकते हो यहाँ पे। और सामने भी मतलब वो दिखता है ना, रोड दिखती है, पुल दिखता है, आना जाना दिखता है, तो यहाँ मतलब मुझे सुकून मिलता है, मुझे अच्छा लगता है, तो घर की याद भी कम आती है। तो इस वजह से हम लोग यहाँ पे टहलने घूमने आ गए थोड़ी देर के लिए, बस बैठे हैं अभी, और अभी 9:15-9:30 तक घर जाते हैं। घर पर खाना रखा ही हुआ है, तो बस ऐसे ही चल रहा है। माँ तो चला गया, घर अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने सोचा चलिए आपको थोड़ा बहुत मैंने जो बनाया था वीडियो तो उसकी एंडिंग कर देते हैं। चाची चाचा को जाते समय तो मैं आपसे नहीं मिला पाई, पर बहुत जल्दी मैं कानपुर जाने वाली हूँ। बहुत जल्दी क्या, मैं अगले हफ्ते ही कानपुर जाऊँगी, तो अगले हफ्ते कानपुर जाएंगे, फिर जो कुछ करेंगे सब कुछ शेयर करेंगे, ससुराल में, मायके में, व्हाटएवर कुछ भी करेंगे तो सब कुछ शेयर करेंगे आपके साथ। चलिए दोस्तों फिर वीडियो को एंड करते हैं। पिताजी और बेटे दोनों टहल रहे हैं, आपको दिख रहे होंगे शायद, और फिर चलिए दोस्तों वीडियो फिर यहीं एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो मेक श्योर लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अपना प्यार सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, घर की चाबियाँ, बाय 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 एवरीवन, बाय।